हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ऑल एट जे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी स्टूडेंट्स आर 2023 का वेट कर रहे हैं उन सभी के लिए एक खुशखबरी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके एग्जाम फॉर्म की डेट डिक्लेयर हो चुकी है आर ने आपके एग्जाम की फॉर्म डेट डिक्लेयर कर दी है तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे उसके लिए क्या एज क्राइटेरिया है लास्ट डेट क्या है और एग्जाम मोस्ट एग्जामी कब हो सकते हैं ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो देखिए जो आर हर साल आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज उसने इस बार थोड़ा जल्दी किया है आपका एग्जाम लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास हुआ था लेकिन इस बार हो सकता है कि जुलाई अगस्त के आसपास हो जाए जो कोविड से पहले आर का शेड्यूल चलता था वो रेगुलर अगस्त के महीने में होता था और वही इस बार भी सही टाइमिंग के साथ आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं एन चौधरी गुड आफ्टरनून डियर तो जो भी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो हम आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं तो तैयार रहे और बाकी सभी के साथ शेयर जरूर कर दे इस वीडियो को जो भी आर का एग्जाम फाइट करने वाले हैं जो बी नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो देखिए सबसे पहले जो अपना आर का एग्जाम होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज उसकी प्रवेश परीक्षा विज्ञप्ति शैक्षणिक सत्र आपको दे दिया गया है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर 2023-24 जो आपकी डेट इसमें डिक्लेयर की गई है वो जान रहे कि सबसे पहले इसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम शामिल होने वाले हैं कौन कौन से पाठ्यक्रम शामिल होने वाले हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सबसे पहले आपका फार्मेसी प्रवेश परीक्षा फार्मेसी से संबंधित जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं बी फार्मा डी फार्मा दोनों के लिए बी फार्मा भी इसी में इंक्लूड है और डी फार्मा भी इसी में इंक्लूड है रखना इसके साथ ही बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी एक साथ एग्जाम कंडक्ट होने वाला है ओके और उसके साथ आपकी पैरा मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो पैरा मेडिकल के एग्जाम है पैरा मेडिकल प्रवेश परीक्षा जिसमें बीआरटी, बीएमएलटी, BOPST जो फिजियोथेरेपी के लिए है बीपीडी फिजियोथेरेपी के लिए भी आपका इसी के साथ एग्जाम होने वाला है तो कंप्लीट ये सभी डेट्स ध्यान रखें जिसमें सबसे पहले मैंने कहा कि फार्मेसी उसके बाद बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी इन चारों के लिए कनिष्क सोनी सर न्यू एनसीआर के अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज होगा बिल्कुल सिलेबस चेंज होगा सोनी आपके सिलेबस चेंज रहेगा तो इसमें जो आपके डाउट्स है वैसे ही काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि सिलेबस किस अकॉर्डिंग रहेगा एग्जाम कब होगा तो ये समस्या नहीं रहेगी अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इस वीडियो से यहाँ सारी चीजें आपको पता चल जाएगी तो देखिये सबसे पहले अगर हम फॉर्म डेट की बात करें तो इन सभी के लिए फॉर्मेसी नर्सिंग पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो ट्वेंटी नाइन्थ मई है ट्वेंटी नाइन्थ मई उनतीस मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ट्वेंटी नाइन्थ मई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से शाम के पांच बजे से इवनिंग का टाइमिंग आपको दिया गया यहां पे कि शाम के पांच बजे से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे उसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी एटीन जून है ऑनलाइन फॉर्म की जो आपकी कंप्लीट डेट है लास्ट डेट हम कह सकते हैं 18 जून है कि 18 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं 18 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं और जो अंतिम तिथि है आपकी मध्य रात्रि उन्नीस जून तक है ओके तो ये ध्यान रखना जो आवेदन शुल्क के लिए है 18 जून है उसके बाद आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा तो अपने दिमाग में यही रखें कि 18 जून से पहले फॉर्म भरना है लास्ट डेट का हमें इंतजार नहीं करना है ऐसा नहीं कि अभी तो 18 तारीख 19 तारीख तक डेट है तो इसका वेट नहीं करना है और उन्नीस जून को आपके फॉर्म भरने के लिए मध्य रात्रि ग्यारह बज के पंदर मिनट पर अंतिम समय है तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं लेकिन हमें समय रहते हुए पहले ही फॉर्म भर लेना है अब जो भी स्टूडेंट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी एक जिम्मेदारी और है कि आप जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यूड होना चाहिए नया सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास तो उसके लिए भी अभी साथ में ही अप्लाई कर दें जब आप फॉर्म भरेंगे आर का तो उसके साथ साथ अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज के लिए भी अभी तैयारी कर लें क्योंकि जो आधार कार्ड में नेम होता है वो आपके टेंथ ट्वेल्थ के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए फादर्स नेम नेम मदर्स में चेंजेस नहीं होने चाहिए वही नाम होने चाहिए जो आपके टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड की मार्कशीट में आ रहे हैं इन चीजों का भी खास तौर से ख्याल रखना है ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड में नाम कुछ और आ रहा है रामलाल की जगह रामलाल कुछ सरनेम और जुड़ रहा है तो ऐसा गड़बड़ रहता है तो इसलिए हमेशा इन चीजों से बच के रहें कि ये अपनी गलती ना हो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मलिटीज है वो भी साथ साथ में कंप्लीट करते रहें और खास तौर से जो तैयारी करने वाले हैं जो RHS के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए अपने जे में एक कंटिन्यूसली ऑफलाइन बैच चल रहा है आर के लिए और उस बैच में अब भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी लास्ट मौका है आपके पास फॉर्म डेट आपकी आ चुकी है एग्जाम मैंने शुरुआत में कहा कि लास्ट ईयर आपके अक्टूबर में हुए थे इस बार आपके जल्दी होने के पूरे चांसेस हैं जुलाई अगस्त के आसपास आपके एग्जाम हो जाएंगे ज्यादातर चांसेस आपके अगस्त में होने के हैं जो कोविड से पहले सेशन स्टार्ट होता था इस बार ऑलरेडी सेशन बहुत डिले हो चुका था अभी जिनके फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुए हैं वो सेशन स्टार्ट हुआ है मार्च अप्रैल में जाते हुए तो बहुत ज्यादा डिले हुआ था तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने इस बार डिसीजन बहुत ही क्विक लिया है आपके फॉर्म तैयार कर दिए हैं और अब आपकी बारी है कि अब आपको तैयार होना है सर जे से सिर्फ टेस्ट मिल सकता है बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सालू चहल पी चंडीगढ़ के लिए भी बिल्कुल पीजीआईएम के लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा कनेस्क आपके सिलेबस वाला जो है एनसीआरटी के अकॉर्डिंग इस बार सिलेबस है और वही सिलेबस चलेगा ध्यान रखना जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम होने वाले हैं और कंप्लीट जो आपके आर ऑफलाइन बैच है उसमें कंप्लीट उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चल रही है ओके तो डेट आप दिमाग में याद रख लें अपने नोट करके लिख के रख लें कि उनतीस मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 18 जून आपके पास लास्ट डेट है और बाकी सभी कोर्सेज के लिए भी जान रखना जो भी बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी के लिए भी जाना चाहते हैं या फॉर्मेसी के लिए जाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये एग्जाम एक साथ कंडक्ट होने वाला है जो अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग होगा फॉर्म डेट आपकी सबकी एक ही रखी गई है ओके तो लगातार जुड़े रहे हैं जे के साथ आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और कंप्लीट तैयारी भी होती रहेगी जो रेगुलर लाइव क्लासेज आपकी होती है वो भी साथ में चल रही है तो आप ऑनलाइन उसका फायदा उठा सकते हैं और अगर उसके अलावा टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर्स आप चाहते हैं तो आप जे एन सी डाउनलोड करते हुए ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं ओके तो बेस्ट ऑफ प्लग सभी को आर एच एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए थैंक यू